बीजीएमआई का नया अपडेट 3.0 इसकी काफी वीडियोस में आपके लिए पहले बना चुका हूं, लेकिन ये वीडियो कुछ अलग होने वाली है। इस वीडियो में हम देखेंगे काफी सारी टिप्स ट्रिक्स और इस मोड को कैसे आप खेल सकते हो, आसानी से कैसे किल्स ले सकते हो, ज्यादा से ज्यादा सब कुछ होने वाला है इस वीडियो में। तो गेम वाले चाहे कितनी कोशिश कर ले, लेकिन फिर भी हम कुछ ऐसे कैंपिंग स्पॉट्स, ऐसी कुछ ट्रिक्स ढूंढ ही लेते हैं जिनसे गेम खेलने में काफी आसानी हो जाती है और आसानी से बंदे निपटाते रह सकते हैं। तो चाहे गाड़ी ना मिलने पर एक जगह से दूसरी जगह उड़ते हुए चले जाना हो, या फिर किसी ऊंची जगह से बिना डैमेज लिए छलांगे मारकर बंदे मारने हो, ये सब चीजें मिलेंगी आपको आज के इस वीडियो में। इसलिए सबसे पहले देख लेते हैं एनिमी रेडियस। इस पूरी बाउंड्री के अंदर कोई भी एनिमी होगा वो आपको पता चल जाएगा कि अभी कोई बंदा यहाँ कैंप कर रहा है, समझ रहे हो। लेकिन सीक्रेट ये है कि अगर आप इन जगहों पर होते हो तो किसी को पता नहीं चलेगा कि आप यसनैप ओलियाना में हो। तो ये जो कॉर्नर आप देख रहे हो, इस कोने से बाहर जाते ही आप काउंट नहीं होते हो तो कोई भी एनिमी यहाँ काउंट नहीं होगा और आप भी काउंट नहीं होगे। तो ये वो बाउंड्री है, और इसका मतलब ये जो रिकॉल के पास वाली बिल्डिंग है, जो स्टेशन है, यहाँ पे काउंट नहीं होते यसनैप ओलियाना में। इसके अंदर रहोगे तो किसी को पता नहीं चलेगा कि आप कैंप कर रहे हो। तो ये इसका बाउंड्री, यहाँ पे कॉर्नर शुरू होता है। तो यसनाया से जोन में भागते कैंपर को रंगे हाथों धर दबोचना हो, यहाँ पकड़ लेना हो, तो ये वो बाउंड्री वॉल है। यहाँ तक वेट कर सकते हो क्योंकि इसके अंदर काउंट हो जाते हैं और इससे बाहर काउंट नहीं होते। और यसनाया के सबसे कमाल के स्पॉट की बात की जाए तो ये जो अपार्टमेंट वाला इलाका है, यहाँ से तुम आसानी से बंदों को नॉक फिनिश करते रह सकते हो। जैसे कि ये जो दो अपार्टमेंट्स है, यहाँ से मैंने पता नहीं कितनी बार बंदों को जोन में जाते हुए धर दबोचा है। देख रहे हो, निकल नहीं दिया मैंने उन्हें, यही नॉक फिनिश कर दिया। तो दूसरी जगह है प्रिजन। यहाँ पे ज्यादातर तो एरिया वही है जो यहाँ मैप पे मार्क कर रखा है, लेकिन कुछ जगह ऐसी है जहाँ पता नहीं चलता। जैसे कि प्रिजन में अगर आप यहाँ इस पत्थर पे बैठे हो तो काउंट नहीं होता प्लेयर, देख रहे हो, पता नहीं चल रहा कि आप यहाँ पर हो। और इसलिए अगर प्रिजन लूट कर रहे हो तो एक बार वहां जरूर से देख लेना, क्योंकि वहां पे कोई ना कोई प्लेयर जरूर बैठा हो सकता है जो कि आपके इंतजार में हो गया, आप निकलो और वो आपको नॉक कर दे। फिर इसके बाद तीसरी जगह है जॉर्ज पूल सिटी, जहां पर भी प्लेयर्स काउंट होते हैं। प्लेयर्स इन एरिया 1 लिखा रहा है अभी, क्योंकि मैं ही अकेला बंदा था अभी तो। मतलब अगर तुम इस दीवार के बाहर भी खड़े हो तब भी प्लेयर्स इन एरिया में काउंट नहीं होते, तो इसके बाहर भी खड़े हो प्लेयर से एक बार सावधान रहना। ये देखो, ये भी मैंने तुम्हारे लिए मैप पे मार्क कर दिया है, तो अगर यहां पर कोई बंदा है तो वो काउंट हो रहा है, प्लेयर्स इन एरिया में आ रहा है, और इसके बाहर जो भी खड़ा है वो काउंट नहीं हो रहा। तो तुम देख रहे हो कमाल की चीज के पीछे वाले जो अपार्टमेंट है, वहां पर अगर कोई बंदा है तो वो काउंट नहीं होता, वो प्लेयर्स इन एरिया में नहीं आ रहा। और इसी के साथ अभी इस मैप की, इस मोड की बेसिक टिप्स हो चुकी हैं कंप्लीट, पूरी हो गई हैं, और अब बढ़ते हैं एडवांस प्रो टिप्स और ट्रिक्स की तरफ। ऑलराइट, तो ये ट्रिक इतनी एडवांस है, अगर तुमने सही तरह से फॉलो कर ली तो तुम अपने एनिमी को खून के आंसू तक रुलवा सकते हो मैच में। ध्यान से देखना। रेडी? तो मेरा बंदा अभी 13 मीटर दूर है, और 13 मीटर दूर से जब आपके ऊपर कोई तलवार चलाता है तो सिंगल शॉट डैमेज नहीं करता, पर जो दोनों हाथों वाला डुअल शॉट है, डुअल अटैक है, ये डैमेज करता है, समझ रहे हो। तो हमें एनिमी से कम 14 मीटर दूर होना जरूरी है तलवार के सारे अटैक से बचने के लिए, तब कोई भी अटैक नहीं लगेगा। ये जो सिंगल वाला है ये 10 मीटर तक लगता है और डुअल अटैक 13 मीटर तक लगता है, तो 14 मीटर दूर हो तो कुछ नहीं लगेगा। फिर हमेशा जब फाइट नहीं ले रहे हो तो तलवार हाथ में पकड़े रखो, या तो लूट कर रहे हो तब भी तलवार हाथ में रखो, या भाग रहे हो यहां से वहां जा रहे हो तब भी तलवार हाथ में रखो, उससे फुटस्टेप साउंड थोड़ी कम हो जाती है और हमेशा वो ब्लॉक भी कर पाता है तलवार से। लेकिन कुछ चीजें ऐसी हैं जो नहीं करनी है, क्योंकि अगर उन्हें करोगे तो ज्यादा चांसेस है कि तुम क्लोज रेंज फाइट हार जाओ। और देख लेते हैं वो कौन सी चीजें हैं। तो जब एनिमी तुम्हारे ऊपर गोली चला रहा होगा तब गलती से भी तलवार यूज नहीं करनी है, क्यों चलो बताता हूँ। जब हमारा बंदा तलवार चलाता है, एक सेकंड के लिए सही पर आर्मर चला जाता है, देख रहे हो उसके लाल होने का मतलब है तब आर्मर काम नहीं कर रहा। दूसरा, जब एनिमी गोली चला रहा है तो उसके ज्यादा नजदीक नहीं जाना है, 1 मीटर से दूर रहना है, ज्यादा पास गए तो आर्मर काम नहीं करेगा। अब ये डैमेज मुझे इसलिए लगा क्योंकि तब आर्मर काम नहीं कर रहा था, मैं ज्यादा नजदीक चला गया एनिमी के, उतना पास जाओगे तो गोली लग जाएगी। तुम 9-10 मीटर से आराम से एनिमी को डैमेज दे सकते हो, तो पास तो जाना ही नहीं है, समझ रहे हो। तो ये देखो, जैसी एनिमी फुटाए तलवार हाथ में पकड़ लो और अब उसके गोली चलाने का इंतजार करो, उसकी एक मैगजीन खाली होती है उसके ऊपर अटैक कर दो। लेकिन अगर वो दूसरी गन निकाल ले तो अब तुम्हें डैश यूज करना पड़ेगा। ये देखा, तो जैसी एनिमी की मैगजीन खत्म हुई मैंने तभी अटैक कर दिया, और जब उसने गन स्विच करी तब मैंने डैश यूज कर लिया अपना, उसकी दूसरी गन से बचने के लिए। तो डैश को हमेशा बचा कर रखना है, क्योंकि अगर तुमने अपना डैश पहले ही यूज कर लिया तो तुम दूसरी गन की बुलेट से नहीं बचा पाओगे अपने बंदे को, और फिर जैसे ही दोनों गन रिलोड पे लगी तो अब सारा गेम तुम्हारा है। मैं हर बार मारूंगा, बार बार मारूंगा,
जितनी बार आएगा उतनी बार मारूंगा। ये देखो वो अपना रिकॉल लेकर आया वापस, उसने फिर गोली चलाई, मैंने कोई जल्दबाजी नहीं की, वही टेक्निक यूज करी और अब गोली खत्म होती डैश मार दिया क्योंकि उसके पास एक ही गन थी, समझ रहे हो। यहाँ होने वाली है तलवार वर्से तलवार, उसका बंदा आया बदला लेने, मैं ज्यादा नजदीक नहीं गया, दूर से ही मारते रहो, यही सीक्रेट है। ये देखो यहाँ पहला शॉट उसका लगा, उसके पास एडवांटेज थी, मैं दूर से उसे हिट करता रहा, 9-10 मीटर बहुत है बंदे को फिनिश करने के लिए, नजदीक नहीं जाना है। तो अपने एनिमी को खून के आंसू रुलाने के लिए क्या करना है और क्या नहीं करना है, नंबर एक नजदीक नहीं जाना है, नंबर दो तलवार इस्तेमाल नहीं करनी है, पेशेंस रखना है, नंबर तीन रिलोड पे लगते ही अटैक कर देना है, और नंबर चार डैश को हमेशा एनिमी की दूसरी गन के लिए बचा कर रखना है। न्यू मोड में जो सीक्रेट वेयरहाउस है उनके अंदर बहुत ज्यादा लेवल 3 की लूट मिलती है, उन्हें कैसे खोलना है ये तो मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ, जो आपके वाकई में काम की चीजें बस बताऊंगा। तो यहाँ पे बहुत ज्यादा बंदे उतरे होते हैं और आप ओपन में गोलियां चलाओगे, इस वेयरहाउस को खोलने की कोशिश करोगे तो कोई भी बंदा आपको निपटा देगा। और ये जो सीक्रेट की आप देख रहे हो ना भाई, ये हर बार नहीं मिलती है, ढूंढ ढूंढ के थक जाते हैं तब भी नहीं मिलती है, तो क्या करें उसे खोलने के लिए, आओ ये देख लेते हैं फटाक से। तो एक खंबे के पीछे बैठो और दूसरा खंबा फोड़ो, ये कर सकते हो तुम, पता है आप, जैसे मैं इसके पीछे बैठ गया लेकिन फोड़ूंगा वो वाला खंबा, चारों खंबे फोड़ के फटाक से नीचे कवर ले लो क्योंकि यहाँ काफी कवर रहता है। मैप में हैवी कैंपिंग रिवाज सा हो गया और हर बंदा रश नहीं करता है, कॉन्फिडेंस की कमी होती है प्लेयर्स में, तो ज्यादातर बंदे छुपकर ही खेलते हैं, तो उन्हें बाहर निकालने के लिए क्या कर सकते हो, सबसे पहले तो ये देखो तुम लेट कर प्रोन होकर भी यूज कर सकते हो अपना प्रॉक्सी स्काउट, तो इससे अच्छा कोई तुम्हें विंडो में स्पॉट कर ले, कोई सेफ स्पॉट देखकर वहां प्रोन हो जाओ और प्रोन होने के बाद प्रॉक्सी स्काउट यूज करके तुम आसपास प्लेसेस चेकआउट कर सकते हो, ढूंढ सकते हो बंदे कहां कहां छिपे हैं। लेकिन एक बात हमेशा याद रखना कि एनिमी को देखते ही पता चल जाता है कि प्लेयर है या प्रॉक्सी स्काउट है, जब तक वो देखेगा नहीं उसे साउंड से बिल्कुल अंदाजा नहीं होगा, पर जैसे ही वो प्रॉक्सी स्काउट को देखेगा उसे पता चल जाएगा कि प्रॉक्सी स्काउट था प्लेयर नहीं था, समझ रहे हो। तो कोशिश करना कि एनिमी तुम्हारे बंदे के प्रॉक्सी स्काउट क्लोन को देख ना पाए, तो एक बार जैसे ही पता चला एनिमी कहां छुपा है इसके आगे तुम्हें क्या करना है तुम्हें पता ही है। लेकिन क्या सिर्फ हम ही प्रॉक्सी स्काउट हम ही यूज करते बैठेंगे, एनिमी भी तो है उसके पास भी तो होगा, कभी भी पहले प्रॉक्सी स्काउट यूज मत करना, इस्तेमाल मत करना अपना, क्योंकि इस्तेमाल करते ही टाइमर लग जाता है, समझ रहे हो, पहले उसे यूज करने दो और जब एनिमी अपना बंदा बना ले उसके बाद तुम बनाओ, क्योंकि उसका तब टाइमर लग जाएगा और यहाँ अपनी लोकेशन बदलो और तब अपना बंदा बना लो, ऐसे तुम्हें एडवांटेज मिलेगी। या फिर तुम किसी छुपे हुए एनिमी को बाहर निकालना चाहते हो, देख रहे हो कवर में छुपा था, कुछ इस तरह से कवर से बाहर निकाल सकते हो तुम उसे। वैसे एक ये वाला भी है, दीवार के आर पार बंदे मारो, पर ये कोई ग्लिच है, ये तो ठीक हो जाएगा, लेकिन ये वाला तो मुझे सबसे बेस्ट लगा यार, ऐसे तुम जोन कीपिंग कर सकते हो, ब्रिज पे अपना नकली बंदा भेजो और एनिमी को कंफ्यूज कर दो, उसे पता ही नहीं चलेगा तुम कहां हो। तो मैंने अपना नकली बंदा ब्रिज पे बार बार भेजा और बंदों को कंफ्यूज कर दिया, बंदे उसे पेलने के लिए उतरे और मैं यहां से उन्हें नॉक फिनिश करता गया, देख रहे हो। रिकॉल टिप्स और ट्रिक्स भी तो काम आने वाली है यार, मैच स्टार्ट होने के 8 मिनट में अगर दूसरी बार मर जाते हो तो इस बार यहां रिकॉल के लिए जोन में पहुंचोगे, यहां से रिस्पॉन हो सकते हो, ठीक है, बस 8 ही मिनट रहता है ये मैच शुरू होने के, उसके बाद खत्म। और ये भी तो मैं बताइए होगा कि यहां से दो तरह से रिकॉल हो सकते हैं, एक तो वैसे ही नॉर्मल एग्जिट करके और दूसरा रिकॉल बीकन से हो सकते हो, तुम एक स्पेशल डब्बा मिलता है उससे। तो यहां जितने भी बंदे हम मारते हैं वो किल्स में काउंट नहीं होते, तो यहां तुम दूसरे का गेम जरूर बिगाड़ सकते हो, उसे रिकॉल होने से रोक सकते हो लेकिन किल नहीं ले सकते, इसलिए इससे पहले कि 8 मिनट खत्म हो यहां से एग्जिट कर जाओ या रिकॉल बीकन यूज करके एग्जिट कर जाओ। लेकिन हगास को कैसे रोकोगे यार, हगास तो किसी भी मैच में फैल सकती है ना, क्या करोगे अगर यहां नॉक हो गए तो स्क्वाड के जिस बंदे पे भी रिकॉल बचा हुआ है ना वो यहां आगे फटाक से तुम्हें रिवाइव दे सकता है। मेरे बंदे ने भी ये किया, उसने फटाक से आगे मुझे रिवाइव दिया और फिर हम सीधा एग्जिट पॉइंट से एग्जिट कर गए। 3.0 अपडेट ने ऐसी ऐसी जादुई शक्तियां प्लेयर्स को दे दी ना भाई के बस क्या ही बताऊं मैं, देखो क्या कर रहा है ये बंदा मेरा, यहां से यहां ऊपर चढ़ता ही जा रहा है भाई, टावर पे सबसे ऊपर चढ़ सकते हो पता है तुम, और फिर वहां से सीधा ब्रिज क्रॉस कर सकते हो। लेकिन उससे पहले जरा ये देखो, बिल्कुल ऐसी जैसे मैं ऊपर आया हूं तुम भी आ सकते हो, और उसके बाद भाई यहां से तो बंदे निपटा ही सकते हो तुम, ये तो कर ही सकते हो, बल्कि इससे भी ऊपर चढ़ सकते हो यार, और ऊपर चढ़ने के बाद सीधा ब्रिज तक पहुंच सकते हो। तो अगर जोन जा रही है या जोन आ रही है और कैसे भी करके तुम्हें वहां बंदे पेलने हैं तो कुछ इस तरह से ऊपर चढ़ो और फिर यहां से अपने स्क्वाड के साथ यार पैराग्लाइडिंग कर लो, मतलब समझ रहे हो तुम क्या कर रहा हूं, देख रहे हो कैसे सीधा ब्रिज तक जा सकते हो भाई, ब्रिज कैंप तोड़ना हो कुछ भी करना हो या फिर सिर्फ फन के लिए करना हो तो ये कर सकते हो। लेकिन ये तो हो गई फालतू की बात, इतना ज्यादा ट्रिक वो काम नहीं आने वाली, कौन ही इतना मुश्किल से ऊपर तक चढ़ेगा बार बार, ये ज्यादा मस्त है, देख रहे हो ऐसे बंदे ढूंढो पेलो आराम से आगे, कहीं से कहीं पहुंच सकते हो पार्ट्स में तो यार तुम। और फाइनली अगर बंदे अपार्टमेंट के अंदर कैंप कर रहे हो तब क्या कर सकते हैं भाई, तब तो और भी आसान है, सीधा अंदर कूद जाओगे, छत पर भी जाने की जरूरत नहीं है। फिर क्लासिक अपडेट्स में ड्राइवर गाड़ी चलाते हुए हील कर रहा है, इसके अलावा बोल्ट एक्शन स्नाइपर राइफल 2-3 बंदे निपटा रही है एक गोली में, इसके अलावा कुछ और भी सीक्रेट ट्रिक्स हैं जो कि अगली वीडियो में लेकर आता हूं मैं आपके लिए। आज के लिए इतना ही बहुत है, तो ठीक है मिलते हैं अगले वीडियो में।